हमीरपुर जिला के गसोता मंदिर कमेटी के प्रधान के खिलाफ मारपीट व जानलेवा मामला दर्ज किया गया है। उसी के तहत इस मामले को लेकर गांव गसोता के उप प्रधान सहित अन्य लोग उपायुक्त हरिकेश मीणा से मिलने पहुंचे और मंदिर कमेटी के प्रधान को मंदिर से निकालने की मांग की और कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे। ग्राम पंचायत गसोता के प्रधान जो मंदिर कमेटी में आज के प्रधान है जीवन जी, उन्होंने पूरा माहौल एकदम बहुत खराब कर रखा है। जो छोटे बच्चे जाते हैं मंदिर, उनके साथ भी मारपीट की उन्होंने, और हमारे भाई साहब विशाल जी के मत्था टेकने के लिए तो उनके साथ भी उन्होंने मारपीट की और गाड़ी के शीशे तोड़ दिया। अगर कोई और भी जैसे उनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं तो एकदम से गुस्सा हो गया और जोर जोर चिल्ला के बात करते हैं, किसी के साथ कॉपरेट नहीं करते हैं। कोई ऐसे श्रद्धालु आते हैं उनके साथ भी ऐसे मारपीट करते हैं। पीछे मेले हुए तो मेले में भी उन्होंने बड़ा इशू क्रिएट किया जी। तो हम चाहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी इस मंदिर से बाहर निकाल दें। चार महीने अभी लोग मैं से लोकल पंचायत में मीटिंग करके ज्ञापन दिया हमने डीसी साहब को और एक संघर्ष कमेटी बनाई है और उसी के उसमें प्रस्ताव डाल के उनको डीसी साहब जी को हमने ज्ञापन दिया। आश्वासन से क्या आश्वासन मिला है आपको? उन्होंने बोला कि हम एस डी एम से बात करके फिर आपको बताते हैं कि उसमें क्या इशूज हैं और कैसे उसको। आप सबको नमस्कार करता हूँ और जैसा कि हमारी पंचायत प्रधान ने आपको बताया कि हमारे गसोता महादेव मंदिर में जो इस वक्त वहाँ की विकास कमेटी काम कर रही है उसके प्रधान जो हैं वो उन्होंने बहुत ज़्यादा अराजकता और भय वाला माहौल बनाया हुआ है। आने वाले किसी भी श्रद्धालुओं से किसी से भी कोई अगर उनसे बात करना चाहता है तो उसके हाथ में बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण 29 तारीख को एक दंपति हमारे गांव से विशाल पठानी है उनकी पत्नी बच्चों सहित जब मंदिर में माथा टेकने गए तो उनसे बातचीत हुई है। आपस में कोई भी बातचीत हो तो बातचीत के द्वारा ही हल की जानी चाहिए, ना कि मारपीट पे उतर आना। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब वो अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगे तो उन्होंने वहाँ पर पड़ी हुई कोई जो ब्लॉक्स थे उनको उठाकर उनकी गाड़ी से मारा, जिससे उनके अगला शीशा टूटा। यहीं पे वो बंद नहीं हुए, उन्होंने एक के बाद चार प्रहार करके चारों तरफ के शीशे तोड़े। तो इस प्रकार के पोस्ट पे इतना बड़ा मंदिर है और जिला में दूसरा स्थान पे है तो इस प्रकार का माहौल वहाँ पर और प्रधान द्वारा इस प्रकार का व्यवहार करना ये उचित नहीं है। हमारे विचार से पिछले कल गसोता गांव की लगभग 200 आदमी 250 इकट्ठा होकर उन्होंने एक संघर्ष समिति बनाने का उन्होंने सुझाव दिया, उसको हमने अमली जमा बनाया और संघर्ष समिति बनाकर उसके माध्यम से डीसी साहब को ज्ञापन दिया है। इस प्रकार के माहौल जिस श्रद्धा का वातावरण जो है श्रद्धालुओं के साथ भी ऐसा व्यवहार हो रहा है तो वहाँ पर आस्था को चोट पहुँचती है। हम हिंदू ये हैं और हिंदुओं के ही यहाँ स्टेट में अगर हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो ये कहाँ का औचित्य है। वहाँ पर यही बात यहाँ तक नहीं कि वहाँ पर हम मंदिर के नज़दीक जितने भी हमारे ऐसी भाई बंधु हैं तो नेचुरली है जब मंदिर नज़दीक है तो मंदिर आएंगे जाएंगे, उनके साथ भी अगर जाति या धर्म के ऊपर व्यवहार किया जाए तो ये कहाँ उचित है। एक इतनी जिम्मेवारी वाली पोस्ट पे एक अच्छा आदमी बैठाना चाहिए, ये प्रशासन को भी चाहिए कि इसका नोटिस ले और इस ज्ञापन में हमने दिया है। अब देखते हैं उन्होंने कहा कि एस डी एम से कुछ किया होता है कहाँ तक सफल हो पाते हैं, नहीं तो संघर्ष समिति आने वाले समय में एक उग्र आंदोलन का रूप धारण करेगी।